हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज चुके हैं और आप देख सकते हो कि मेरी तो नींद भी अच्छे से नहीं खुली है, लेकिन क्या करें दोस्तों, उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी जाना है वर्धा, क्योंकि उद्धव साहब आने वाले हैं आज नागपुर में। आज और कल उनका यहाँ पे टूर है, वो घूमने वाले, उनका प्रचार वगैरह है, तो मुझे शूट करने के लिए आज वर्धा जाना है। सो मैं ट्राई करूँगा कि आपको उद्धव साहब की फुटेज दिखा सकूँ। सो बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ और गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग वर्धा पहुंच चुके हैं और अभी आप लोग देख सकते हो कि पूरे मतलब भगवे झंडे वगैरह लग चुके हैं आगे में। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग दोस्तों, पूरा भगवे वगैरह लग चुके हैं। उद्धव साहब का भी यहाँ पे आगमन होने वाला है, पूरा पुलिस का बंदोबस्त वगैरह सब कुछ लग चुका है ऑलमोस्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं वर्धा। अब हम यहां से जाएंगे कारला बाईपास, जहां पे उद्धव साहब आने वाले हैं, वहां से मैं पूरा वीडियो कवरेज करूंगा और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे में कि यहां पे पूरा अरेंजमेंट किया गया है। उद्धव साहब अभी थोड़े ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। मैं हूँ इस वक्त कारला बाईपास रोड पर, जो कि पड़ता है वर्धा ज़िला में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया गया है, जैसे सर आएंगे वैसे उनके ऊपर फुलाव का वर्षाव किया जाएगा। उसके ऊपर बाद में देख सकते हो कि पूरा पुलिस का ताफा वगैरह यहाँ पे पूरा लग चुका है। वहाँ पे भी बड़ी बड़ी पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी है, यहाँ पे न्यूज़ मीडिया भी पूरा कवरेज है और साथ में हम भी कवर करने वाले हैं पूरा। तो देख सकते हो अभी बस इंतज़ार है कि कुछ 10-15 मिनट में सर यहाँ पे आ जाएंगे। परिवर्तन की आवाज संघर्षा माध्यमांचा सन्मान्य साधारणता भव्य दिव्य सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे। त्याची माहिती आपल्याला काल भेटली, आपण साहेबांसोबत संपर्क साधून त्यांनी 2 मिनिटं इथं भेट द्यायचं नियोजन करायला सांगितलं होतं, पण मात्र काही कारणामुळे त्यांना उशीर झाला, त्यामुळे ते आले। शिष्टमंडळ जो आहे युवा परिवर्तन की आवाज संघटनेचा, त्यांच्यासोबत त्यांनी भेट घेतली आणि जय महाराष्ट्र देऊ समोरचा त्यांनी प्रवास यवतमाळ जासाठी त्यांनी सुरुवात केली। हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उद्धव साहब बहुत ज्यादा जल्दी में थे,
तो वो 15 मिनट देने वाले थे लेकिन 15 सेकेंड भी दे सके क्योंकि उनको मतलब उनका जो टाइम था वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे वो, और उस वजह से उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही मतलब कुछ सेकेंड ही दिए हमें। और हमारे जो दोस्त थे निहाल भैया, उन्होंने उनसे बातचीत की और उनको जय महाराष्ट्र कह के वो लोग आगे की ओर रवाना हो चुके हैं। दोस्तों मैं आया हूँ अभी फ़िलहाल वर्धा में, और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हो कि तीसर हमारे सर वैभव भैया और अनु भैया इनके दोस्त हैं, इनका मेडिकल शॉप है और हम यहीं पे आए हैं फिलहाल। और अभी देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम, आज का दिन अभी चालू हुआ है तो मतलब मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। पहले हम उद्धव ठाकरे साहब से मिले मतलब एक दूसरे देखना हो गया। सेकेंड अभी तुषार उमाड़े सर जो मेरे पीछे में है। हाँ वाह दोस्तों, ये देखो ये है वह बताता लॉलीपॉप खाते हुए। दोस्तों मेरे पीछे में आप लोग देख सकते हो कि ये वही जगह है जहाँ पे वर्धा में जब कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं तो ये हेलीपैड्स है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लैंड किए जाते हैं। दोस्तों देख सकते हो ये है वर्धा की स्पेशल स्वीट, इसका नाम है गोरस पाक। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे में ये है बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम की। दोस्तों देख सकते हो पूरा मतलब ठंडा ठंडा घर में है, ये कवेलू के घर वगैरह में देखने को मिलते हैं। प्रार्थना भूमि दोस्तों ये है पीपल का पेड़ जहाँ पे 1936 में महात्मा गांधी जी ने इसका वृक्षारोपण किया था। आगे चल के हमें ये दूसरी बापू कुटी देखने को मिलती है। दोस्तों सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें अंदर का शूट करने नहीं मिला। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये 1942 में कस्तूरबा गांधी जी ने ये पेड़ को लगाया था जो आज इतना विशालकाय हो चुका है। उसके बाद आप लोग आगे देख सकते हो ये यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो हिस्टोरिकल हैं। आगे हम आते हैं तो संत विनोबा भूदान यात्रा, इनके द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था पीपल के पेड़ का, आज ये भी इतना बड़ा हो गया है। दोस्तों इसके ठीक सामने में है आहार केंद्र, अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों देख सकते हो हमारे वैभव भैया ऑर्डर दे रहे, तुषार भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनुप भैया वहाँ पे बैठे हुए हैं, और यह है आहार केंद्र देख सकते हो। दोस्तों यहाँ का स्पेशल है ये मट्ठा। दोस्तों ये खवापुरी यम, सबसे टेस्टी और सबसे मीठी डिश, मेरे भाई की फेवरेट डिश। दोस्तों हो गया है मेरा खाना,
अब मैं निकल रहा हूँ सीधा नागपुर के लिए। सो बाय बाय वर्धा। दोस्तों मैं नागपुर पहुँच तो गया, पर इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया, आना जाना एक ही दिन में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते यहाँ से, और 2 घंटा आना मतलब 4 घंटे ट्रैवलिंग, और ऊपर से वहाँ पे शूट वगैरह करना। सो मैं तो पूरा थक चुका हूँ। वैसे तो मैंने ट्रैवलिंग में नींद ले ली थी, लेकिन अभी अगर मैं सो गया तो सुबह मैं फिर से लेट उठूँगा और फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि मुझे ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा है एक्स वाई जेड। सो अभी मैं सो तो नहीं सकता इतने जल्दी, पहले खाना खा लूँगा अगर भूख लगी तो उसके बाद सो जाऊँगा। अभी वैसा तो कुछ प्लान नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे, देख सकते हो यार। तो चलो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता मैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे कल इसी जगह पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं।